अब एक काम लगा है घर में, खुनाई खुनाई ये सब खींच लिए? नहीं अभी नहीं खींचा है, खींच लो। इसको जरा बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए कि कब तक इसमें काम चालू हो खत्म हो जाएगा। अब एक साल लागे, डेढ़ साल लागे, अब तो बन रहा है। इतनी जल्दी कहाँ तैयारी होकर हो रही है, फिर भी साल भर के लिए तो कह रहे हैं, साल भर के लिए ठेका दिया गया है। ठेके पे दिया है? मैंने सोचा मजदूरी से करवा रहे हैं। नहीं नहीं, ठेके से दिए भाई। देखो मजदूरी में कौन किसका पीछे गाय भैंस के जैसे चहेटा चहेटी करेगा, कोई इधर करेगा, कोई उधर बैठक सूते रहेगा, ये काम नहीं होता है, वो ठेकेदार समझता है। बाहर से आए होंगे लोग? बाहर जगह वो कलकत्ता से भी आने वाले हैं सब मिस्त्री। मिस्त्री यहाँ का ठेकेदार है, यहाँ का छोटा मोटा काम जो है सब कर रहे हैं। देख रहा हूँ ना कि पहले बता रहे हैं सब कि 3 करोड़ का घर बनने वाला है, 4 करोड़ का घर। अरे बाबू इसमें कितना पैसा लगेगा, इसमें पार्क बनेगा, का बनेगा, उधर टावर बैठेगा, इधर गाड़ी उड़ी के रखने फकने, पार्किंग का होगा, रुपये नहीं लगेगा, पैसे 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 को काटता और पैसे पैसे को कमाता है। पैसे ही तो सब कुछ है, पैसे बेटा है, पैसे बाप है, पैसे बिना जग सून है। और अगर शुद्ध भाषा में ये कहें तो ये कोरोना वैश्विक महामारी में बाप बेटे से भागने लग गया था, बेटा बाप से भागने लग गया था, एक दूसरे से शकल नहीं मिला रहा था। बेटा आया था हावी या सब के मुंह में लग गया गाय भैंस वाली जाबी, देखा है ना? तो वैसा है ये बीमारी जो है, ये सबको जो जहाँ था, घर वाली आदमी से डरती थी, बच्चा जो है मम्मी से डरता है, बहन भाई से डरती है, ये ऐसा ही बीमारी का हला गुली हो गया है। बाकी जाके राखे सैया, मार सके ना मार कोई, सके ना कोई है, बाल ना बाका कर सके, चाहे सारा जग बैरी हो, बैरी हो। बिल्कुल, तो कृपा उनकी होती है बेटा, कि उनके कृपा से वहाँ से दौड़ के यहाँ आ गया है, है? तो कृपा उनका है, जाओ गोड़ लागो और जो मांगना है माई से मांगो। आदमी कुछ देने वाला नहीं है। हाँ, आदमी कहाँ कुछ कुछ नहीं है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। बिल्कुल बेटा, दाता एक ही वही है कि सबको खिला के खाता है। चलिए हम चल रहे हैं अंकल जी, जय श्री राम, राधे राधे। इस वक्त दोस्तों हम हैं खेसारी लाल जी के आवास पे, जो कि नया घर बन रहा है, और ये घर है बिल्कुल मोरंग ओरंग गिर चुकी है। यहाँ पर स्विमिंग पूल, पार्किंग और फिल्म सिटी नए तरीके से बिल्कुल बनेगी। और इस वक्त खेसारी जी का ये घर काफ़ी अच्छा बन रहा है, खुदाई चल रही है, कलकत्ता से भी लेबर मजदूर किसान आ रहे हैं। जूम करके थोड़ा सा दिखाते हैं, काफ़ी दूर तक ये घर है, जिसमें इसको अगर कहें साफ साफ शब्दों में तो एक छोटी सी फिल्म सिटी बनाने की, यहाँ पर शूटिंग भी होगी, रोजगार भी दिया जा सकता है। और ये ताड़ का पेड़ है साइड में, और ये बाउंड्री हो चुकी है, इसी के बीच में यहाँ पर घर बनेगा। ये मेन गेट है, वहाँ खेसारी लाल यादव जी के पिताजी हैं वो, और वहाँ पर दिलीप यूट्यूबर भाई बात कर रहे हैं उनसे, उसी घर में वो रहते हैं। थोड़ी देर पहले वो दिल्ली से आए हैं कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से, और अभी जो है ये पूरा घर बन रहा है अच्छे से खेसारी जी का। और कोशिश हमारी यही है कि खेसारी लाल जी से जुड़ी हर एक बात आपको बताई जाए, और खेसारी जी यहाँ पर पूरी तरीके से अपने गाँव में जैसे आते हैं, कभी मिलते हैं गाँव वालों से, लेकिन उनका परिवार बिल्कुल सादगी सादा जीवन उच्च विचार के रोल पर रहता है। सूर्य अस्त होने को है इस वक्त, और ये देख सकते हैं पानी वानी सब यहाँ पर रखा हुआ है, टंकी भी है, खुदाई चल रही है। सादा जीवन उच्च विचार की मैं बात कर रहा था, खेसारी लाल के पिताजी जो हैं वो सादा जीवन उच्च विचार की बात करते हैं, भगवा कलर में थे, उन्होंने देखा और ये घर बन रहा है उनका। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको गांव का वीडियो दिखाया था उनके, नया घर है ये, और ये मेन गेट है, मेन गेट से हमारी बाइक खड़ी हुई है, अभी हम वहाँ चलेंगे। और ये घर आप देख सकते हैं, वहाँ पे उनके पिताजी से बात हो रही है, हमारे एक और साथी उनसे बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अयोध्या टाइम्स, और ये नया घर है, बिल्कुल नया घर केसारी जी का, बाउंड्री हो गई है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर फिल्म की शूटिंग होगी, जैसे नोएडा में फिल्म बनाई जाती है, इसके बाद वहाँ पर फिल्म बनाई जाती है, ठीक वैसे ही फिल्म यहाँ पर भी बनाई जाएगी, और कई लोगों को रोज़गार भी दिया जाएगा, स्विमिंग पूल, पानी नहाने का, पार्किंग का, होटल, सब कुछ इसी में बनेगा। बहुत दूर तक फैला है, शायद मेरा कैमरा वहाँ तक कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा उनके माता जो माता जी हैं वो थोड़ा बाहर हैं, लेकिन पिताजी से यहाँ पर दिलीप यूट्यूबर बात करते हुए, ईंटा गिर चुका है, थोड़ा सा काम अभी चल रहा है, मोरंग गिट्टी बालू सारा गिर चुकी है, तो एक दो साल में ये करोड़ों का मकान बन के तैयार हो जाएगा। आप भी आइएगा यहाँ, ज़रूर देखिएगा कैसा लग रहा है नया वाला घर बिल्कुल। और इस वीडियो को करते हैं समाप्त, जय श्री राम।